फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी लौकी की कोफ्ते बनाना। ये देखिए, तकरीबन 3 पाव लौकी था ये, और मैंने इसे कद्दूकस करके इसका पानी सारा निचोड़ लिया है ताकि कोफ्ते अच्छे पकोड़े इसके बने। ये देखिए, इतना पानी इसका निकल गया है। अच्छी तरह निचोड़ना ज़रूरी है। अब इसको मिक्स करेंगे। इसमें डालेंगे सूखा धनिया, अदरक की पेस्ट, थोड़ी हल्दी, हरी मिर्च कुटी हुई, टेस्ट के हिसाब से हरी मिर्च ले सकते हैं आप कटी हुई, थोड़ा धनिया, थोड़ा पुदीना, अनारदाना, आप चाहें तो अमचूर भी डाल सकते हैं। अब लास्ट में हम इसमें बेसन मिलाएंगे, और बेसन के बाद ही नमक डालना है क्योंकि ये फिर नरम हो जाएगा अगर अभी से नमक डाल दिया तो। ये देखिए, मैंने 6 चम्मच बेसन लिया है, लेकिन हम थोड़ा थोड़ा करके इसमें डालेंगे। कई बार लौकी बहुत रसीला होता है, रस ज़्यादा होता है उसमें, तो ज़्यादा बेसन लगता है, और कई बार कम लगता है, इसलिए बेसन को थोड़ा थोड़ा करके डालें। थोड़ा और डालते हैं बेसन, और इसको अच्छी तरह मिक्स करना है ताकि सब जगह मसाले और बेसन पहुंच जाए। अब लास्ट में हमने इसमें नमक डालना है, अंदाजे से, अपने टेस्ट के हिसाब से आप नमक डाल सकते हैं। चाहें तो थोड़ा प्याज भी डालें। ये आपकी मर्जी के ऊपर है, प्याज डालना है, हरी मिर्च डालनी है या नहीं डालनी। प्याज से थोड़ा पानी छोड़ देता है प्याज नमक के साथ, इसलिए थोड़ा सा बेसन और। मिक्स हो गया अब ये, और इसके हम लड्डू बनाकर रख लेंगे। ये देखिए, छोटे छोटे इसके लड्डू बना लें, बहुत बड़ा साइज ना बनाएं। इस तरह से सारे लड्डू इसके बना लीजिए, बेसन के और लौकी के, उसके बाद इसे तलेंगे। अब देखिए, तेल गरम कर लिया है मैंने। अब ये पकौड़ी हम धीरे धीरे करके इसमें छोड़ेंगे। और ध्यान रखिए, इसको मीडियम आंच पर पकाना है क्योंकि बेसन है, नहीं तो बेसन अंदर से कच्चा रह जाएगा। इसको पलटते रहना है और साथ साथ मीडियम आंच पर पकाते रहना है। ये देखिए,
मीडियम आंच पर ये पक चुके हैं। जब ये कलर हो जाए तब इसको गैस से कढ़ाई से निकाल लें और किसी पेपर पे निकालें ताकि इसका फालतू का तेल निकल जाए। ये देखिए, ये कलर आने दीजिए, उसके बाद इनको निकाल लें। हम कोफ्ते के लिए तड़का बनाएंगे, उसके लिए तेल गरम कर लिया है मैंने। जीरा डालेंगे, इसके साथ ही प्याज पीस के रखा है मैंने, प्याज डाल देंगे। तेज आंच पर हम इसे पका लेंगे प्याज को। प्याज भुन चुका है, अब इसमें हम लहसुन अदरक की पेस्ट डाल देंगे और साथ ही हल्दी, नमक, धनिया और देगी मिर्च, ये सब डालकर हिला लें। इसे ज़्यादा नहीं पकाना है, थोड़ा सा भूनने के बाद इसमें हम टमाटर डालेंगे। अब टमाटर डाल दीजिए, अब कुछ टाइम हम इसको पकाएंगे। थोड़ा चलाते हुए पिसे हुए टमाटर को भून लीजिए। ये देखिए, टमाटर भी पक चुके हैं। अभी इसमें हम लौकी का बचा हुआ जो पानी था वो डाल देंगे। इसके साथ ही हम जीरा पाउडर और गरम मसाला भी डाल दें। अब देखिए, ग्रेवी हमारी बन चुकी है और इसमें हम कोफ्ते डाल देंगे और ज़्यादा देर इसको नहीं पकाना, नहीं तो बिल्कुल कोफ्ते हमारे गल जाएंगे। बस थोड़ी देर इसको पका लीजिए, एक मिनट। अब देखिए, सब्जी हमारी तैयार है, कोफ्ते बन चुके हैं। आप चाहें तो पानी और डाल सकते हैं। इस पर थोड़ा धनिया डाल दें। ये देखिए कितने सॉफ्ट कोफ्ते बने हैं। ये देखिए। थैंक यू दोस्तों, बाय।